सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सहारा समूह पर प्रहार, जल्द मिलेगा निवेशकों का अटका हुआ पैसा, सुप्रीम कोर्ट की लताड़। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आपका पैसा भी सहारा समूह में अटका पड़ा है तो ये खबर आपको राहत की सांस देगी। बता दें कि बते मंगलवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सहारा ग्रुप को लताड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि सहारा समूह निवेशकों के अटके हुए पैसे अपनी संपत्ति बेचकर लौटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सहारा को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो संपत्ति बेचने से कोई भी रोक नहीं सकता। असल में निवेशकों से पैसे सहारा समूह की कंपनियां SIRECL और SHICL ने इकट्ठे किए थे। वर्ष 2012 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि निवेशकों का पैसा जो है सहारा समूह की ये दोनों कंपनियां SIRECL और SHICL 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को लौटा देगी। निवेशकों का ये पैसा मार्केट रेगुलेटर द्वारा लौटाया जाएगा। दलीलों पर सुनवाई जो है नहीं हुई। सहारा समूह की ओर से अदालत के निर्देशानुसार सही समय पर पैसा जमा नहीं किए जाने से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश तथा न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी के बेंच ने नाराजगी जताई। बेंच ने नाराज लहजे में कहा कि 10 साल से भी अधिक समय बीत चुका है मगर सहारा समूह ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। सहारा समूह के पक्ष में सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस संदर्भ में कहा कि कंपनियों को संपत्ति बेचने के लिए मौका ही नहीं दिया गया था। इस बयान पर बेंच ने कहा कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए में से शेष 10,000 करोड़ रुपए को जमा करने हेतु सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने के लिए कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, बेंच ने यह भी कहा कि अदालत ने संपत्ति बेचने के लिए जितना वक्त चाहिए था उतना वक्त दिया। सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल की किसी भी दलील को कोर्ट में नहीं सुना गया। सेबी के पक्ष में पेश सीनियर अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल ने कहा कि सभी संपत्ति बिना कर्ज वाली है, इससे स्थिति साफ नहीं है कि कंपनी शेष पैसे का भुगतान कब तक कर पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा समूह की संपत्ति को सर्किल रेट से कम रेट पर नहीं बेचना है। यदि ऐसे हालात आते हैं जब संपत्ति को सर्किल रेट से कम रेट पर बेचना हो तो सबसे पहले न्यायालय की मंजूरी लेनी होगी। बेंच ने यह भी कहा कि सेबी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, आपको इसे हर हाल में जमा करना होगा। हम सभी एक अलग तरह की योजना चाह रहे हैं ताकि संपत्ति को पारदर्शी तरीके से बेचा जा सके। हमारी इस प्रैक्टिस में सेबी भी मौजूद रहेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि सर्किल रेट से नीचे संपत्ति को बेचना ना तो सेबी के पक्ष में सही होगा और ना ही सहारा समूह के पक्ष में।